हाय गाइस, आज हम बनाएंगे छोले भटूरे और हम बनपोट छोले बनाएंगे। उबालने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले चना ले, इसे रात भर भिगो कर लें और दो टमाटर, इसका पेस्ट बना लेंगे और दो मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे। ठीक है, तो हम कुकर में ही सारा काम करेंगे। तो कुकर में तेल गर्म करें और इसमें डालेंगे ज़ीरा और दालचीनी का टुकड़ा और फिर दो तेज़पत्ता और फिर इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को आप अच्छे से बारीक काट लें इस तरह से और फिर प्याज को फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। ये छोले झटपट से बनने वाली है, इसमें आपको छोले को अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं होगी और साथ ही साथ सारा काम हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लें। ठीक है, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे दो चम्मच बेसन, दो छोटे चम्मच बेसन डालें, उससे छोले में अच्छी सी थिकनेस आएगी। ठीक है, और इसे भून लेंगे बेसन को, बेसन का कच्चापन दूर हो जाएगा, एक सौंधी सी खुशबू आएगी। तब तक हम बेसन को भून लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट एक चम्मच और इसे भी एक मिनट भुनेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटो प्यूरी, हमने जो टमाटर को पीस के रखा था वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर बाकी का मसाला ऐड करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले नमक ऐड कर देंगे इसमें और फिर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और फिर हल्दी पाउडर और धनिया का पाउडर। तो धनिया का पाउडर हमें यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डालें, डेढ़ चम्मच के आसपास आप डाल दें। ठीक, धनिया का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम बॉक्स को धोकर पानी डाल देते हैं और फिर इसे मिक्स कर देते हैं ताकि नीचे मसाला सटे नहीं। और मसाले को हमें अच्छे से भूनना है तो इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। ठीक है, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और भुना भी जाए, और इसे मिक्स कर देते हैं। और इसमें बाकी का मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे हम, तो उसमें हम थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे और हल्का सा गरम मसाला चुटकी भर डालें, ज़्यादा नहीं डालना हमें। और फिर छोले मसाला, ये मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा छोले का मसाला, और इसे मिक्स कर दें और फिर इसे लगातार चलाते हुए भून लें, सटना नहीं चाहिए। अच्छे से 3 से 4 मिनट भुनेंगे तो मसाला आपका अच्छे से भुना जाएगा। और जब मसाला इस तरह से भुना जाए, देखें मसाले से तेल अलग होने लगे, तो फिर इसमें हम चना ऐड कर देंगे, जो चना को हमने भिगो कर रखा था। तो रात भर चने को अच्छे से आप भिगो लें और फिर उसके बाद धो लें साफ़ पानी से और फिर इसमें डाल दें। ठीक, और फिर इसमें पानी डाल देंगे 2-3 कप। तो यहाँ पे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, उससे अच्छा टेस्ट आता है छोले में। और फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और फिर कुकर का ढक्कन लगा के इसमें 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे। छोले को हमें अच्छे से पकाना है, एकदम अच्छे से गल जाना चाहिए चना हमारा। ठीक, अगर आप इस तरह से छोला बनाना चाहते हैं तो आपको चना को अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं होगी और ये कम समय में झटपट से बन जाता और बहुत ही टेस्टी भी बनता है, आप बनाकर ट्राई करना। फिर हम आपको झटपट से भटूरे बनाना बताते हैं बिना दही और बिना इनो के। तो क्या करें, 2 चम्मच सूजी लें और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे साइड में रख देते हैं 5 मिनट सूजी को फूलने के लिए। और यहाँ पे हल्का गुनगुना दूध लें, आधा कप लें, और इसमें नींबू का रस गाड़ दें थोड़ा सा। ठीक, इसे भी साइड कर देते हैं। और यहाँ पे लेंगे मैदा, तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है और इसमें चुटकी भर बेकिंग पाउडर और फिर नमक और थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे। ठीक, और फिर ये सूजी को जो हमने फूलने रखा था वो डाल देंगे और फिर इसका डो लगाएंगे। तो हमें डो लगाना है वही दूध से जिसमें हम नींबू का रस गाड़ के रखे थे, तो उसी से हम डो लगा लेंगे। ठीक, और एकदम सॉफ्ट डो लगाना है मैदे का हमें। और भटूरे बना रहे हैं आप तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि मैदे से ही बनाएं, आटा नहीं डालें, मैदे का भटूरे ज़्यादा ही अच्छा बनता है। तो हम इस मैदे को अच्छे से गूंद लेंगे। ठीक, तो आप इसे कम से कम 10 मिनट अच्छे से गूंदें इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो हम थोड़ा सा और दूध ऐड कर देते हैं और फिर से गूंद लेंगे।
तो इस भटूरे को बनाएंगे तो आपको दही या इनो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इसमें लास्ट में हल्का सा एक चम्मच तेल डाल दें और इसे मिक्स कर दें। आप चाहे तो घी डाल सकते हैं और फिर इसे आधे घंटे के लिए रख दें। आधा घंटा नहीं तो कम से कम 15 मिनट ज़रूर रखें। ऊपर से हल्का तेल लगा के इसे ढक कर रख देंगे। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं हमारा छोला कुक हुआ है या नहीं। तो देखें छोला में पानी भी नहीं है और ये अच्छे से कुक हो चुका है। हम आपको दिखा देते हैं, देखिए कितने अच्छे से छोला गल चुका है। तो बस गैस को हम बंद करेंगे और फिर इसमें हम दही डालेंगे। तो आधा कप से थोड़ा सा कम दही डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और पहले गैस को बंद कर इसे मिक्स कर देंगे। और फिर आप चाहे तो गैस ऑन करके 2 मिनट इसे पका लें। और बस ये छोला रेडी है। तो इसे साइड करते हैं और फिर फटाफट से भटूरे बना लेते हैं। तो हमने मैदा को पहले ही गूंद कर रखा था तो इसे थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। एक दो बार इस तरह से कर लें, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा ये आटा। ठीक, और इसकी लोई काट लेंगे हम। तो भटूरे बेलेंगे तो इस पे हम सूखा मैदा नहीं लगाएंगे तो तेल लगाना पड़ेगा हमें। तो बेलन पे और फिर इस पे ऑयल लगा ले आप और फिर भटूरे की लोई काट लेंगे। तो इस तरह से हमें लोई निकालनी होगी। ठीक, और इसे फटाफट से बेल लेते हैं। तो आसानी से आपका बेल जाएगा भटूरा। इस तरह से बेलें और फिर किनारे की साइड थोड़ा सा मोटा रखेंगे और अच्छे से आप इस तरह से बेल लें। देखिए मैदा है तो थोड़ा सा सूखेगा और फिर आप वापस से बेलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा आपका। तो इस तरह से बेल लें और फिर तेल को आप पहले ही गर्म करने के लिए रख दें। एकदम तेल गर्म होना चाहिए और फिर उसमें भटूरे डाल देंगे तो ये एकदम से फूल जाएगा। अगर तेल ठंडा रहेगा आपका तो भटूरे नहीं फूलेगा। तो तेल आपको एकदम हीट रखना होगा इसके लिए। और बस ये भटूरे बनकर रेडी है। कितना अच्छा से ये फूला है देख सकते हैं आप। तो हमने आपको आज झटपट से छोले भटूरे बनने की रेसिपी बताई। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस रेसिपी को आप अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर करें। और कोई भी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको हमारे छोले भटूरे की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। ओके, बाय, थैंक यू।